सुप्रीम कोर्ट ने दिया मनीष सिसोदिया को झटका। 4 अक्टूबर के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई टली। दिल्ली के 2 एक्साइज पॉलिसी मामलों की जांच में आरोपी है मनीष। कोर्ट ने मनीष के खिलाफ आरोपों को बताया बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के 2 एक्साइज पॉलिसी मामलों की जांच में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने मामले को तब स्थगित कर दिया जब सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें मामले पर बहस करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। सिंघवी ने कहा, हालांकि मैं जेल में हूं, हम सहमत हैं, मेरी तरफ से सुनवाई में कम से कम 2-3 घंटे लगे, इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू उनकी बात से सहमत हुए। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी यह मामला या सत्यजैन का मामला सामने आता है तो मामले की गुणवत्ता पर अखबार में लेख छपता है। पीठ ने कहा कि उसने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है और कहा कि हमें इसकी आदत डालनी होगी। शीर्ष अदालत ने 14 जुलाई को मामले में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर CBI और ED से जवाब मांगा था। उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा संभाले गए कई कार्यों में से सिसोदिया के पास उत्पाद शुल्क विभाग भी था। उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, तब से वह हिरासत में है। ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को CBI मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। 2 संघीय जांच एजेंसियों के अनुसार उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचारों के आरोप के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया।